ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, लीजिए सुनिए 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 में आज के खेलों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। 36 नेशनल गेम्स गुजरात 2022। पी साई प्रणीत और आकर्षी कश्यप ने जीते बैडमिंटन के गोल्ड। अद्वैत बागे ने सज्जन प्रकाश को पीछे छोड़ 800 मीटर फ्रीस्टाइल का गोल्ड अपने नाम किया। डाइविंग में रहा सर्विसेज का बोलबाला। तेलंगाना की लड़कियों ने तमिलनाडु को हराकर जीता बास्केटबॉल का गोल्ड। सर्विसेज की टीम पदकों के शतक के नजदीक, पहले पायदान पर बरकरार। नमस्कार, प्रस्तुत है 36वें राष्ट्रीय खेलों में आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम। पानी में सोना चांदी कांसा किसने पाया किसने खोया, बता रहे हैं सौभाग्य कुमार रथ। आज स्विमिंग के 6 मुकाबलों में से सबसे रोमांचक मुकाबला था पुरुषों का 800 मीटर फ्रीस्टाइल का, जिसमें मध्य प्रदेश के अद्वैत पागे 16 में से 15 लैप तक आर्यन नेहरा और साजन प्रकाश के पीछे चल रहे थे, मगर आखिरी लैप में उन्होंने जो फुर्ती दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल स्विमिंग पूल के सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने अपना जीत का रहस्य हमारे साथ साझा किया। मेरा स्ट्रेटेजी शुरुआत से फास्ट जाने का था, लेकिन आज हुआ नहीं। आधे रेस के बीच में मेरा स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ा। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अपने आगे वाले कंपेटिटर्स के साथ चलूंगा और जब समय रहेगा मे बी 600-700 या आखिरी में जैसा हुआ मैं उनके आगे निकलना चाहता हूं। तो आज के जैसी रेस हमने पहले कभी नहीं देखी होगी जिसमें तीन लोग आधे सेकंड के अंदर थे। दूसरी तरफ महिलाओं के 1500 मीटर फ्रीस्टाइल में बाजी मारी दिल्ली की भाव्या सचदेवा। पुरुषों के 100 मीटर बैकस्ट्रोक में जब ओलंपियन श्रीहरि नटराज ने नए नेशनल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण जीता, कुछ ही पलों बाद होने वाली 50 मीटर बटरफ्लाई में उनसे काफी उम्मीद थी, मगर वो 7वें स्थान पर रहे और प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर्स को आना पड़ा। उम्मीद है वो कल तक फिर से तरणताल में उतरेंगे। इसी स्पर्धा में देश के दूसरे ओलंपियन साजन प्रकाश को गोल्ड, तमिलनाडु के बेनेडिक्ट रोहित को सिल्वर और हरियाणा के हर्ष सरोहा को ब्रोंज पदक मिला। महिलाओं की बैकस्ट्रोक इवेंट में आज भी अजय रही माना पटेल। उनको देख कर लगा बैकस्ट्रोक में उनका कोई मुकाबला नहीं। कर्नाटक की रिधिमा को सिल्वर और महाराष्ट्र की पलक जोशी को ब्रोंज मिला। 50 मीटर बटरफ्लाई में कर्नाटक की नीना वेंकटेश को गोल्ड, हरियाणा की दिव्या सतीजा को सिल्वर और कर्नाटका की तनिषा गुप्ता को ब्रोंज मिला। दूसरी तरफ बोर्ड जंप में आज पुरुषों का आखिरी मुकाबला था और इस मौके को सर्विसेज के खिलाड़ी छोड़ना नहीं चाहते थे। 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड जंप में सर्विसेज के सुरजीत राजवंशी को गोल्ड और लंडन सिंह को सिल्वर मिला। महाराष्ट्र के अनुज शाह को ब्रोंज से संतुष्ट होना पड़ा। स्वर्ण पदक विजेता सुरजीत ने भारतीय सेना से मिली सुविधाओं को अपना आभार व्यक्त किया। जैसे ASI है वो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, जो गाँव में अच्छे अच्छे प्लेयर रहते हैं उनको सिलेक्ट करके फिर इधर ASI में भर्ती करके फिर उनको प्रैक्टिस फैसिलिटी देते हैं, जो भी हमें चाहिए रहता है वो सब प्रोवाइड करते हैं। पुरुषों की बोर्ड जंप स्पर्धा में कुल 9 में से सबसे कीमती 3 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल्स सर्विसेज को मिली। सर्विसेज के डाइविंग कोच मनीष कुमार, हमारा एक फैमिली जैसा है, एक साथ जुड़े रहते हैं हमेशा, प्रैक्टिस में भी हमेशा एक साथ, कुछ दुख हो या सुख हो सब अपने आप से बात करते हैं और वहीं पे हल्का हो जाते हैं सभी। बस वही है, पांचों उंगली बराबर नहीं है, कोई कैसे भी मिलता है, हम लोग कैसे टीम को लेके जाना वो एक मेन। वाटर पोलो में आज 4 लीग मैच हुए। महिलाओं की स्पर्धा में कर्नाटक ने मणिपुर को 13-2 और पश्चिम बंगाल ने केरल को 10-8 से हराया, जबकि पुरुषों की स्पर्धा में केरल ने महाराष्ट्र को 7-6 से और पंजाब ने मणिपुर को 8-6 से मात दिया। राजकोट से मैं सौभाग्य कुमार रथ। धनुर्धरों का देश भारत और भारत के राष्ट्रीय खेल, नजर विवेकवान खेड़े की। टुडे वाज द फाइनल डे फॉर आर्चरी। वेरियस फाइनल्स इन डिफरेंट कैटेगरीज वर हेल्ड टुडे हियर एट संस्कार धाम ग्राउंड। द वेदर कंडीशंस वर प्रीटी प्लेजेंट, इट वाज क्लाउडी एंड अ बिट विंडी, मच इन फेवर ऑफ द प्लेयर्स। इन द रिकर्व इंडिविजुअल वुमेन फाइनल्स, संगीता फ्रॉम हरियाणा डिफीटेड अंशिका कुमारी सिंह फ्रॉम झारखंड, thereby winning the gold. झारखंड won silver and services won bronze. After the victory, संगीता spoke to All India Radio. यहाँ गोल्ड मेडल जीत के मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे गेम में और अचीव करना है, आगे बढ़ना है, उसके लिए मेहनत करनी है, मेरे कोच का बहुत साथ रहा है। इन द रिकर्व इंडिविजुअल मेंस कैटेगरी, अतनु दास फ्रॉम वेस्ट बंगाल बीट गुरुचरण बेसरा फ्रॉम सर्विसेज विनिंग गोल्ड, सर्विसेज वॉन सिल्वर एंड झारखंड वॉन ब्रॉन्ज। अतनु दास, इसमें गोल्ड लाना एक मेरे लिए ये रहा कि मैं तैयारी सही ट्रैक पे कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ नेशनल गेम्स में गोल्ड जीतने का नहीं है, मैं एकदम पहले से थोड़ा बहुत ग्रेड हो चुका हूँ। इन द रिकर्व मिक्स टीम फाइनल, आकाश एंड भजन कौर फ्रॉम हरियाणा वॉन द गोल्ड, महाराष्ट्र वॉन सिल्वर एंड झारखंड
Uttarakhand won bronze. In the recurve women team finals, Bhajan Kaur, Preeti, Sangeeta, Awani from Haryana defeated Jharkhand and won the gold. Jharkhand won silver, Gujarat won the bronze. Bhajan Kaur. आज मैंने मतलब मिक्स टीम में गोल्ड जीता है और टीम इवेंट में गोल्ड जीता है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेहनत की थी कुछ काम आई. In the recurve men team finals, Akash, Abhijit Malik, Basant Kumar, Sagar Sharma from Haryana won the gold. Services won silver and Maharashtra won bronze. However, this match couldn't be played as Praveen Ramesh Jadhav from Services couldn't make it due to some medical conditions. Abhijit Malik spoke to All India Radio. Gold जीतने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हम खेलने आए थे तो खेल के जीतने में और भी ज्यादा अच्छा लगता. This is Vivek Wankhede for All India Radio. देश भर में लोकप्रिय है बास्केटबॉल और आज इस स्पर्धा में क्या कुछ हुआ जानते हैं मनीष भट्टाचार्य जी से. एक बेहद सुहाने मौसम के आगोश में आज भावनगर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बास्केटबॉल के फाइनल मैचों का मेजबान बना. पिछले तीन दिनों से अलग अलग राज्यों की टीमों को अपना लोहा मनवाकर तेलंगाना और तमिलनाडु की महिला टीमें आज आमने सामने थी. पीली जर्सी में तमिलनाडु की और गुलाबी रंग ओढ़े तेलंगाना की लड़कियां. रेफरी की पहली सीटी से ही एक दूसरे पर हावी होने की कवायद शुरू हो गई. खेल के चारों क्वार्टर्स में अंत तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि किसे मिलेगा सोना और कौन चांदी का हकदार होगा. तेलंगाना का पॉइंट गार्ड अगर बेहद सतर्क था तो तमिलनाडु की तरफ से पावर फॉरवर्ड ने कमाल कर दिखाया. जद्दोजहद के बाद अंततः तेलंगाना को 67-62 से जीत हासिल हुई. द गोल्ड मेडलिस्ट एट द 36th नेशनल गेम्स गुजरात 2022 प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द चैंपियन टीम तेलंगाना. कप्तान कविता प्रजापति बेहद खुश थी. बहुत बार लगा स्कोरिंग में उनकी स्टार्टिंग से लीजिए मिडिल में हमारे लीड है उसके बाद थोड़ा होप हुआ तो प्लेयर थोड़ा सेकेंड क्वार्टर के बाद ही हमारे प्लेयर थोड़े जगे हैं. गोल्ड से ज्यादा क्या चाहिए. आज अंत में पंजाब और तमिलनाडु के बीच खेले गए पुरुषों के फाइनल मुकाबले का नजारा किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं था. मानो सब कुछ एक कहानी की मांग है. कोई एक अंक ऊपर चढ़ता तो दूसरा उससे आगे निकल जाता. पहले के तीन क्वार्टर तक कोई हार मानने को तैयार नहीं था पर अंतिम क्वार्टर में तमिलनाडु ने बढ़त बना ली. 94 के मुकाबले 89 से पंजाब को मात दी. विजय टीम के कप्तान बाला ने अपनी खुशी इस तरह जाहिर की. प्री सेशन वी हैव वीडियो सेशन यस्टरडे आफ्टर द मैच लाइक पंजाब वीडियोस वी वॉच्ड मेनी टाइम्स एंड वी वॉच एंड वी विल डू द प्रिपरेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल प्लेयर्स एंड वी विल एग्जीक्यूट दैट वेरी वेल. इसके पहले सुबह 7 बजे से आयोजित कांस्य पदक के मुकाबलों में केरल की महिलाओं ने मध्य प्रदेश को 75-62 से शिकस्त दी और पुरुष के वर्ग में कर्नाटक को 67 के मुकाबले 54 से मात देकर सर्विसेज स्पोर्ट्स बोर्ड ने कांस्य पदक पर अपना दावा दर्ज किया. सर्विसेज के कप्तान जोगिंदर. मुझे लगता है टूर्नामेंट का हम बेस्ट गेम खेले हैं आज क्योंकि हम हर मैच में पीछे से हम आगे आए लेकिन इस मैच में हम स्टार्टिंग से आगे चले और सभी ने अच्छा किया. अपना अपना डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम ब्रॉन्ज मेडल के साथ अपने घर जा रहे हैं. 64 प्रतियोगिताएं, 72 रेफरी, 80 खिलाड़ी, 16 राज्य और बास्केटबॉल का राष्ट्रीय महाकुंभ. भावनगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुबह कभी 7 बजे तो कभी 8 बजे से बजने वाली रेफरी की सीटी आज दोपहर बाद 3 बजे पूरी तरह से थम गई. मानो खिलाड़ियों को ये कह रही हो कि न थक कर बैठ, अभी उड़ान बाकी है, अभी तो जमीन खत्म हुई है, आसमान बाकी है. भावनगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मैं मनीष भट्टाचार्य जी. भारतीय मुक्केबाजों के मुक्कों की गूंज अब दुनिया भर में सुनाई पड़ने लगी है. राष्ट्रीय खेलों में आज हुए मुकाबलों के बारे में जानते हैं SB वेंकटराम से. ऑन द सेकंड डे ऑफ बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन इन द वुमेन सेक्शन ऑफ फेदरवेट 54-57 kg द ओपनिंग बाउट इन फेदरवेट जमुना बोरो ऑफ असम डिफीटेड निर्मल फ्रॉम नागालैंड 5-0. नेशनल गेम्स हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छा लगा बहुत. होप कि गोल्ड मेडल लेके जाए अपने स्टेट के लिए. वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है कि मैं वो सब खेल पाऊँ और अपने इंडिया के लिए मेडल लेके आऊँ. इन द थर्ड बाउट ऑफ द फेदरवेट कैटेगरी पूनम फ्रॉम हरियाणा आउटप्लेड विनाक्षी दोत ऑफ हिमाचल प्रदेश. आने से पहले ही तैयारी थी हम बढ़िया देना अपना बेस्ट देना और मैं अच्छा करूंगी तो मैं मेरा बेस्ट देंगी कॉन्फिडेंस से खेलेंगे पूरा. इन द वेल्टरवेट सेक्शन ऑफ 63-66 kg ऑफ द वुमेन्स कैटेगरी अंकुशिता बोरो ऑफ असम वाज रिलेंटलेस इन थ्रोइंग ब्लोज ऑन हर अपोनेंट निहारिका गोनेला ऑफ तेलंगाना. बाउट हैड टू बी स्टॉप इन राउंड 3. मेरा स्कोर तो यूनानिमसी आया और रेफरी स्टॉप किया और थर्ड राउंड में मुझे अच्छा लग रहा है आज बाउट जीत के. ऑन द साइलेंस ऑफ द बॉक्सिंग इवेंट ऑल इंडिया रेडियो बम्प्ड इनटू जैस्मिन लंबोरिया the Commonwealth Games 2022 bronze medalist from Haryana in the boxing lightweight category of 60 kg. So, abhi Commonwealth Games mein bronze medal ke baad abhi national games ho rahe hai Gujarat mein to main Haryana ko isme represent kar rahi hu 60 kg weight category mein. Kafi acha lag raha hai ki already apne Commonwealth na bada manch pe apne medal jeeta hai. Haan ji sir. To abhi training karke aaye Commonwealth Games ke baad abhi apna yahan pe best performance denge aur acha karenge sir. My colleague Nitish brings you more news from the men's boxing arena. 16 match khele gaye 63.5 to 67 kg weight
वेट कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश के चंद्रमोहन और हरियाणा के सागर अपने अपने मैच जीतकर अगले राउंड में प्रवेश कर गए। कर्नाटका के रियान मोहम्मद टफ ओपोनेंट्स को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और गोल्ड के ऊपर ही उनकी नजर है। शिवा थापा भी है सर्विसेज बोर्ड, उसका आकाश भी एक है, फिर आदित्य है, अभी तो गोल्ड पे ही है, दूसरा कोई सूचना नहीं है, सिर्फ गोल्ड, तो गोल्ड मिलना चाहिए। 71-75 केजीज मिडल वेट में भी कुल 4 मुकाबले हुए। हरियाणा के अंकित खट्टर का कहना था कि हरियाणा के बॉक्सर्स का कोई भी मुकाबला नहीं। मेन तो हरियाणा ही होता है, ज्यादातर हरियाणा में टफ कॉम्पिटिशन है। इसी वर्ग की अगली बाउट महाराष्ट्र के निखिल दुबे ने जीती। हरियाणा की डोमिनेंस के लिए उनका ये कहना था, हरियाणा दिल्ली में स्टेडियम बहुत है, महाराष्ट्र में स्टेडियम नहीं इतने, इसके लिए वो थोड़ा सा वीक है। 75-80 केजी लाइट हैवी वेट में गुजरात के बॉक्सर सज्जाद असलम भाई का मुकाबला सर्विसेज के सचिन कुमार के साथ था। एक ऑडियो तस्वीर दर्शकों के बीच से। मेरा नाम जय सोलंकी, सर्विसेज के बॉक्सर का नाम होता है, गुजरात का बॉक्सर 3 राउंड निकाल रहा है उसके सामने, ये प्राउड की बात है हमारे लिए। मुकाबला सर्विसेज के सचिन ने जीता, हार के भी जीते। सज्जाद असलम ने बहुत कुछ सीखा, क्या मतलब बाउट में तेरी जो भी भूला थी अपने वो उसको सुधार के और अच्छी। इसी वेट कैटेगरी में चंडीगढ़ के हरप्रीत ने हिमाचल के बॉबिन चौहान को हराया। अरुणाचल प्रदेश के टाचो जोमो ने आंध्र प्रदेश के विनोद शेख के खिलाफ जीता। तो अभी एक बार हराया है उसके अभी आते रहेगा उसको भी हराएगा। 86-92 हैवी वेट कैटेगरी का पहला मुकाबला तमिलनाडु के प्रवेश मुशर्रफ ने जीता। वही 92+ केजी सुपर हैवी वेट कैटेगरी में राजस्थान के तनु शर्मा ने दिल्ली के आकाश को हराया। और आज के अंतिम मुकाबले में महाराष्ट्र के रेनॉल्ड जोसेफ ने असम के रोशन सोनार को हराया। अपने साथी वेंकट राम के साथ महात्मा मंदिर वेन्यू 3 से मैं नीतीश अरोड़ा। बैडमिंटन के खिलाड़ियों के हाथ में था रैकेट और कृष्णदेव शुक्ल के हाथ में था आकाशवाणी का माइक। बैडमिंटन में मुकाबलों का आज आखिरी दिन, दांव पर लगे थे 5 स्वर्ण पदक। शुरुआत महिला युगल से, पहली वरीयता प्राप्त एन सिक्की रेड्डी और राष्ट्रीय खेलों में पहली बार शिरकत कर रही गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी ने कर्नाटक की शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट को आसानी से हराकर स्वर्ण जीता। We are very happy. I think this is Gayatri's first national games. Playing with her makes me happy. She's an upcoming doubles player. She's doing really well. And we know that it is comfortable for us to win, but we didn't want to take it easy. So it was nice. अभी सिक्की दीदी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है खेलना। सिक्की दीदी मेरे को पहले ही बोल देते हैं कहाँ कर रहे हैं और कहाँ शटल आता है। स्वर्ण पदक के लिए पुरुष युगल का मुकाबला भी काफी रोमांचक रहा, जिसमें तमिलनाडु के ए हरिहरन और आर रूबन कुमार को केरल के पीएस रविकृष्णा और उदय कुमार शंकर प्रसाद ने 21-19 से हराया। इट वाज रियली अ टफ मैच, एक्चुअली दे आर इंडिया नंबर 2 करंटली, देयर वाज अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स फ्रॉम आवर साइड, बट देन वी ट्राइड टू कीप द शटल असाइड एंड वी गॉट द विक्ट्री। वी वर लाइक कॉन्फिडेंट अबाउट आवर गेम, वी वर जस्ट पेशेंट टिल द एंड सो दैट वी कुड गेट इट इन द क्रूशियल टाइम। मिश्रित युगल के मुकाबले में उम्मीद के मुताबिक कर्नाटक के टॉप सीडेड के साई प्रतीक और अश्विनी पोनप्पा ने 21-15 21-13 से दूसरी वरीयता प्राप्त दिल्ली के रोहन कपूर और कनिका कमल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अश्विनी और प्रतीक का राष्ट्रीय स्तर पर ये पहला पदक था। Happy that we won the national games. I think it's a great start to our partnership. Definitely looking forward to many more such wins. Good start for us. Much needed win. Some confidence for the upcoming tournaments. Yeah, looking forward for the upcoming matches. Today we were better prepared. Overall, I would say of the two, I think today we played better. पुरुष एकल में स्वर्ण पदक के लिए तेलंगाना के बी साई प्रणीत और कर्नाटक के एम मिथुन आमने सामने थे। साई प्रणीत ने पहला गेम 21-11 से जीता, लेकिन दूसरा गेम 12-21 से हार गए। आखिर तीसरे गेम में साई प्रणीत ने एक बार फिर से वापसी की और 21-16 से जीत हासिल कर स्वर्ण पदक भी जीत लिया। सेकेंड गेम थोड़ा स्टार्टिंग में 2-3 पॉइंट सही निकल गया, फिर उसके बाद थोड़ा लीड चले जाने के बाद मैं थोड़ा थक गया था, तो मैं सोचा ये छोड़ के थर्ड गेम खेलेंगे। महिला एकल के स्वर्ण को हासिल करने के लिए महाराष्ट्र की मालविका बंसोड और छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप आमने सामने थी, और आकर्षी ने 21-8 22-20 से मैच जीत कर हासिल किया। काफी टफ मैच था, सेकेंड सेट स्पेशली 14-18 डाउन थी, वहाँ से मैंने कंटिन्यूअस 6 पॉइंट्स लिए 20-18 किया। मालविका वाज अ टफ अपोनेंट। और इसी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन प्रतियोगिताएं आज संपन्न हो गईं। सूरत से आकाशवाणी के लिए मैं कृष्णदेव। चमकीले पानी वाली काशिपी गंगा, कलियुगी गंगा जैसे अनेक नाम है साबरमती के, और पद्म पुराण का उत्तरखंड तो इसके प्रसंगों से सराबोर है। आइए चलें इसी नदी के तट पर शालिनी मित्तल के साथ। साबरमती नदी के किनारे स्थित साबरमती आश्रम 1915 से 1933 तक बापू का निवास स्थल रहा। जब तक साबरमती आश्रम के दर्शन न किए जाएं, तब तक अहमदाबाद यात्रा अपूर्ण ही रहती है। देश विदेश से पर्यटक श्रद्धा भाव से यहां आते हैं। मेरा नाम सुबोध कुमार, मैं बिहार के
जहानाबाद जिला से आता हूँ। आने के बाद शांति की अनुभूति हुई, अच्छा लगा। मैं केसी विश्वी उड़ीसा से आए हैं, आए थे इधर ही गांधी जी का आश्रम देखने, बहुत अच्छा लगा। बच्चों में गांधीयन वैल्यूज के संचार और संवर्धन का कार्य कर रहा है गांधी आश्रम मानव साधना केंद्र। नमस्ते, मैं वंदना अग्रवाल बोल रही हूँ। रोज हम 12,000 बच्चों के संग काम करते हैं और उनके जीवन में वैल्यूज के संग ग्रास रूट पर कैसे चेंजेस आ सकता है उस पर काम करते हैं। सत्ताईस अगस्त 2022 को साबरमती रिवर फ्रंट पर अटल ब्रिज का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। अटल ब्रिज ईस्ट और वेस्ट अहमदाबाद को जोड़ने वाला एक यूनिक पेडेस्ट्रियल वॉकवे है। अटल ब्रिज टेक्निकली और विजुअली एक इंजीनियरिंग मार्वल है। 300 मीटर लंबे इस ब्रिज का डिजाइन शहर के वार्षिक काइट फेस्टिवल से प्रेरित है। विकास दुबे अपने दोस्तों के साथ हमें अटल ब्रिज पर मिले। इसकी खूबसूरती बहुत ही शानदार है और इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अटल ब्रिज ऊपरी और निचली रिवर फ्रंट प्रोमेनेड को जोड़ता है और एक वॉकवे से कहीं अधिक है। ये यंगस्टर्स को भी बहुत आकर्षित करता है। हमारी मुलाकात हुई एक कॉलेज स्टूडेंट से जो इसे उत्तम सेल्फी पॉइंट बताती हैं। मेरा नाम शालिनी सिंह है, स्टूडेंट फ्रेंडली बहुत ज्यादा है। साबरमती रिवर फ्रंट से आकाशवाणी के लिए मैं शालिनी मित्तल। गोल्फ लंबे समय बाद लौटा है राष्ट्रीय खेलों में। क्या कुछ हुआ आज इस खेल में, बता रहे हैं वी शिव कुमार। I've been playing since I was 3 years 10 months old. So my dad wanted to teach my granddad how to play the sport and I always loved spending time with my dad. So I was jumping all around him asking him to take me along as well because I just wanted to do whatever he was doing. And then my granddad told him that, you know, why don't you take her along instead? And he kind of told him that maybe she's trying to send you a sign. Dad left granddad, took me along. He taught me the basics and then he put a junior club in my hand. And then he went, his coach taught me something as well. And then both of them went for a round of golf. 4 hours later, I was still on the driving range hitting. That's the story of the leader among ladies after day one, Avani Prashant from Karnataka. After a week of scorching sun, rain clouds and cool breeze greeted players at the Kentsville golf course this morning when they teed off for the individual and team events on day one of golf at the national games. The light drizzle came later in the day and by that time round one was nearly over, with the leaderboard showing Karnataka's young Avani Prashant ahead with 1 under, followed by Punjab's Amandeep Kaur on par, and tied three were Durga Nittur of Karnataka, Gaurika Bishnoi and Neha Tripathi of Haryana, and Kriti Chauhan of Rajasthan. The men excelled today in comparison as the leader Rohan Dhole Patil of Maharashtra ended round one with 5 under, followed by Haryana's Abhinav Lohan and Chandigarh's Karandeep Kochhar both ending 4 under par, and Ishan Chauhan also of Maharashtra at number 4. Here's Karandeep Kochhar on his performance today. The course is playing nice, the greens are hard, the speed is also pretty good. Personally, I think I played really well, hit the ball well off the tee, iron striking was good as well. Yes, Abhinav Lohan. And I played solid today without any bogeys, 4 birdies, so I'm pretty happy. The Secretary General of India Golf Union and Competition Director Major General Bibhuti Bhushan. We have a field of 72 players who are participating today. This will go on for 4 days. Round 2 of the 4-round event is scheduled to start at 7:30 a.m. tomorrow. From the Kentsville Golf Course, this is Shiva Kumar reporting for All India Radio. लद्दाख की पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक, कच्छ के रण से लेकर ब्रह्मपुत्र की घाटियों तक फुटबॉल सब जगह खेला जाता है। 36वीं राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत पुरुष वर्ग की फुटबॉल स्पर्धाओं का जायजा ले रहे हैं तमजन तीबा। Kerala players bounced back strongly in this morning's first match. Manipur look all comfortable, 2-0 up, 56 minutes into the contest. But with the introduction of jersey number 7, Nichu Kilbert changed the fortune of Kerala. The switching between the left and the right flank between the two players caught the Manipur defense backing at almost 2-3 occasions. And Nichu Kilbert first getting 2 calls, then PV Vishnu coming in the final moments of the match getting that all-important 3 lead, which put Kerala in a comfortable position till the last whistle. Kerala coach PP Ramesh expresses feelings. Almost all the matches with Orissa and all the matches they are coming back because they were down by 1-0 with Orissa, and today also they were down by 2-0 and they came back. That's the mentality of the team. The team worked so hard that the mentality is there to win big matches. The second match between Services and Odisha was one-sided match dominated by the Services 1-0 before half-time. It went on to finish 3-0 till the stipulated time and the Services move ahead to the next round. Timjan Dibar reporting for
ऑल इंडिया रेडियो सेंट्रल कवरेज टीम। महिला फुटबॉल की आज की स्पर्धाओं का ब्यौरा लेकर आई हैं आकाशवाणी के लिए फ्लोरीन रोश। आफ्टर वीक लॉन्ग क्वालिफाइंग प्लेऑफ्स, बैटल लाइंस आर ड्रॉन फॉर विमेन्स फुटबॉल सेमीफाइनल्स इन द ऑनगोइंग नेशनल गेम्स। असम एंड ओडिशा वन देयर रेस्पेक्टिव मैचेस इन ग्रुप बी टुडे टू क्वालिफाई, पुटिंग एन एंड टू द सस्पेंस। इन द फर्स्ट सेमीफाइनल्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मणिपुर एंड असम विल बैटल इट आउट फॉर अ बर्थ इन द फाइनल्स। इन द सेकंड सेमीफाइनल्स, ओडिशा विल टेक ऑन तमिलनाडु टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। इन द फर्स्ट मैच दिस मॉर्निंग, असम डिफीटेड महाराष्ट्र 2-0 and heaved a sigh of relief, having qualified with 7 points. Assam's midfielder Shanti declared her team's next goal is to qualify for the finals, but she refused to divulge the team's strategy for the next match. अभी तो हम नहीं बताएंगे ना, नहीं तो सबको पता लग जाएगा। बस यही है मैम कि हम थोड़ा पासिंग वगैरह रख के खेलना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम होल्ड रख के खेलें। हम आए तो फाइनल के उससे ही है कि हाँ, हमारा एम जो है फाइनल तक हो। इन द सेकंड मैच प्लेड दिस इवनिंग, ओडिशा एग्जिबिटेड एन अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल एंड शोड नो मर्सी बाय इन्फ्लिक्टिंग अ ह्यूमिलिएटिंग 11-0 डिफीट ऑन होस्ट स्टेट गुजरात। द फर्स्ट गोल केम इन द फोर्थ मिनट एंड ओडिशा कंटिन्यूड इट्स ऑनस्लॉट, नॉट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी for Gujarat to score. Team member Pyari Kaka, who scored 5 goals for Odisha, is quite modest when she says, 5 goal akele to nahi but team ko acha se, kyunki ab aaj hum log 5-6-7 goal karenge tab bhi hum log semi final acha team se khelenge, aise socha tha, target pehle se hi tha ki hum log acha se khelenge. The semi finals will be played on October 8th and the venue will shift to Trans Stadia for the knockout matches. This is Florin Roche for All India Radio. हॉकी फील्ड के हर लम्हे के साक्षी थे शाहिद अनवर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा मान्यता प्राप्त राजकोट का हॉकी मैदान गुजरात में हॉकी की शीर्ष संस्था द्वारा मंजूरी पाने वाला पहला मैदान है, जहां फिलहाल देश भर के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। लीग के बाद अब नॉकआउट के मुकाबले होंगे। कल महिलाओं की क्वार्टर फाइनल में सबसे पहले सुबह 7 बजे ओडिशा और मध्य प्रदेश की टीमें आमने सामने होंगी। मध्य प्रदेश टीम की कप्तान इशिका चौधरी, पूरा प्रिपेयर है, नॉकआउट हमेशा प्रेशर वाले मैच होते हैं, तो विल गिव आवर बेस्ट। दूसरे मैच में कल सुबह 9 बजे स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार हरियाणा की भिड़ंत कर्नाटका से होगी। भारतीय महिला टीम के स्टार खिलाड़ियों से सजी हरियाणा की कोच मीनाक्षी को अपनी टीम पर भरोसा है। जैसे हमारी टीम बहुत अच्छे पूल टॉप करके क्वार्टर फाइनल में पहुंची और हमारा क्वार्टर फाइनल कर्नाटका की टीम से है। मैक्सिमम स्कोर्स के साथ ही हम सेमीफाइनल में जाना चाहेंगे, ताकि हमें फाइनल के लिए तैयारी करनी है। मेन कि हमें फाइनल हम लोग अच्छा खेलें और गोल्ड जीत के जाएं। कल दिन में 11 बजे झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा। उत्तर प्रदेश की कप्तान वंदना कटारिया, जी बिल्कुल, अभी जैसे जैसे मैच बाय मैच हम लोग जाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट होगा हम मैच के बाद ही सोचते हैं, पहले नहीं सोचते। कल के चौथे और आखिरी क्वार्टर फाइनल में मजबूत पंजाब की टीम मेजबान गुजरात के साथ खेलेगी। भारतीय हॉकी टीम अब बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लक्ष्य ओलंपिक स्वर्ण पदक है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, विश्व कप और एशिया कप मेडलिस्ट जैक फ्लिकर, शेफ डे मिशन लेफ्टिनेंट बिक्रमजीत सिंह कहते हैं, मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट ओलंपिक में हमारा गोल्ड आए, ब्रॉन्ज ना आए, और लड़कियां भी मेडल लेके आए, और आने वाले टाइम में बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं और आगे हमें फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मिल रही है, तो मुझे लगता है कि हम आने वाले टाइम में और बहुत अच्छा करेंगे। कुछ बाधाओं के बावजूद यहां बढ़िया हॉकी के लिए जी जान से लगे हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर, कॉम्पिटिशन मैनेजर राजेंद्र शेलर। ग्राउंड तो काफी अच्छा है, हमने 100 दिन में ये सारी तैयारियां की है। एक ग्राउंड होने के बावजूद भी हम इतने स्मूथली सारे मैचेस कर रहे हैं, हमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आया। अब इसके बाद नॉकआउट स्टेज, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल होगा, जो कल से शुरू हो रहा है। अब जो रियल गेम है वो अपना ओपन करके हमें और खेल की ज्यादा मजा लेने का आनंद है। मेजर ध्यानचंद हॉकी ग्राउंड राजकोट से मैं शाहिद अनवर। अगले राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी को फिर से शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय खेलों में आए निशानेबाजों को ये खबर जरूर उत्साहित करेगी। निशानेबाजों के आज के प्रदर्शन पर प्रस्तुत है हमारी अगली रिपोर्ट, लेकर आई है लम जम फोम। द क्वालिफाइंग राउंड्स ऑफ शूटिंग ट्रैप इवेंट्स फॉर बोथ वेमेन एंड मेन वाज प्लेड टुडे। शूटर फ्रॉम दिल्ली कृति डॉप्ड वेमेन कॉन्टेस्ट विद 89 पॉइंट्स एंड टॉकिंग टू ऑल इंडिया रेडियो। We were planning for like 2 months for this because हमें बहुत short notice पे बताया था कि ऐसे national games होने वाले हैं। It's very exciting, it's a very important competition. I am the Asian champion for 2019. Well, the aim for now is 2024 Paris. It's a long process, but that's the ultimate goal. In men category, Arivansh of Uttarakhand topped the chart with 99 points, followed by shooters from services and Rajasthan. We also spoke to some shooters participating today. They said, myself Mahima Vishwakarma from
एमपी भोपाल और मैं यहाँ ट्रैप शूटिंग करने आई हूँ। मतलब मेरी फैमिली भी मोस्टली शूटर ही है, मतलब निशानेबाज हैं सब लोग, तो उनको देखकर ही थोड़ा थोड़ा क्रेज़ बढ़ गया। और मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे तो इसलिए थोड़ा क्रेज़ है फैमिली से ही। हाय, माय नेम इज शार्दुल रिहान, आई एम फ्रॉम यूपी उत्तर प्रदेश। ट्रैप इवेंट होते हैं 125 टारगेट्स के बाद, 5 राउंड के बाद बेसिकली एक फाइनल होता है, लाइक सेमीफाइनल 1, सेमीफाइनल 2, देन इट गोज टू ब्रॉन्ज मेडल मैच एंड गोल्ड मेडल मैच। लैमजन फॉर्म रिपोर्टिंग फ्रॉम क्रॉन शूटिंग अकेडमी। राष्ट्रीय खेलों में पहली बार आमद हुई है हमारे योग की, और ज्यादा जानते हैं श्री कृष्ण से। आज ट्रांस स्टेडिया अहमदाबाद के इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों में पहली बार शामिल किए गए पारंपरिक भारतीय योगासन की प्रतियोगिताएं आरंभ हुई। योगासन को राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने के बारे में बता रहे हैं भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे। हमने अपने खेल को प्रमोट नहीं किया, अब राइट टाइम आया है। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने बहुत सराहनीय काम किया कि योगा को, मलखम को, देशी खेल को, इंडियन खेल को प्रमोट करने का काम किया है। प्रतियोगिता के बारे में बताया नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन और टेक्निकल टीम के सदस्य श्रेयस मार्कंडेय ने। इसमें 2 राउंड्स में ये कॉम्पिटिशन होगी, इसमें 4 कम्पल्सरी आसन थे और 3 ऑप्शनल आसन थे। 4 कम्पल्सरी में एक डिफाइंड सिलेबस है, कम्पल्सरी जो आसन है सबको करने ही करने हैं। पुरुष और महिलाओं की सेमीफाइनल प्रतियोगिताओं में 10-10 प्रतिभागी फाइनल के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। अब देखना यह है कि फाइनल में इस भारतीय परंपरागत खेल में कौन कौन प्रतिभागी स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीत पाते हैं। ट्रांस स्टेडिया अहमदाबाद से श्री कृष्ण का डिस्पैच। सूरत के नजदीक अरब सागर के तट पर हो रहे हैं बीच वॉलीबॉल के मुकाबले, वहीं मौजूद थे हमारे प्रतिनिधि संजय व्यास। सूरत के खूबसूरत डूमस तट की सुनहली बालू पर बीच वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं आज से शुरू हो गईं। 4 ग्रुप्स में विभाजित पूल मुकाबलों में 11 राज्यों और पौंडीचेरी की पुरुष और महिला टीम्स इसमें शिरकत कर रही हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव अनिल चौधरी ने व्यवस्थाओं के बारे में बताया। प्लेयर फैसिलिटी बहुत अच्छी है, होटल अकोमोडेशन बहुत अच्छा है, ग्राउंड फैसिलिटी बहुत अच्छी है। कोर्ट 1 पर पहला ही मैच होस्ट टीम गुजरात 1 और डिफेंडिंग चैंपियन आंध्र प्रदेश 1 के बीच था, जिसे आंध्र प्रदेश की टीम ने 21-19, 21-13 से जीत लिया। आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी कृष्णम राजू और नरेश, वो अच्छा खेला था लेकिन हम लोग का तो एक्सपीरियंस के वजह से जीता है। मैच थोड़ा मिस्टेक कर रहा हम लोग, थोड़ा ये रिफाई करे तो अभी अच्छा खेलेगा। आंध्र प्रदेश 1 ने मध्यान्ह के बाद एक और मुकाबले में तेलंगाना को भी 21-11, 21-10 से शिकस्त दी। इसी तरह गोवा 1 तेलंगाना 2 पर और गोवा 2 उत्तर प्रदेश पर भारी पड़ी। कर्नाटक केरल से विजयी रही तो लड़कियों ने पौंडीचेरी की तरफ से बाजी मारी। हर पूल से प्रथम 2 टीमें क्वार्टर फाइनल्स के लिए प्रवेश करेंगी। डूमस बीच सूरत से मैं संजय व्यास। पदक तालिका की ताजा स्थिति पर एक नजर वी शिव कुमार की। सर्विसेज आर एट द टॉप ऑफ द मेडल्स टैली विद 41 गोल्ड, 29 सिल्वर एंड 26 ब्रॉन्ज मेडल्स। हरियाणा इज सेकंड विद 29 गोल्ड, 23 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज मेडल्स। महाराष्ट्र इज थर्ड विद 24 गोल्ड, 24 सिल्वर एंड 45 ब्रॉन्ज मेडल्स। तमिलनाडु विद 19 गोल्ड, उत्तर प्रदेश विद 18 गोल्ड, कर्नाटका विद 17, पंजाब विद 14 एंड केरला एंड मणिपुर विद 13 ईच फॉलो इन दैट ऑर्डर। छत्तीसवीं राष्ट्रीय खेलों के कल के मुकाबलों पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट लेकर कल फिर हाजिर होंगे रात के 10 बजे। तब तक दीजिए हमें इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार। 36 नेशनल गेम्स गुजरात 2022। अभी आप सुन रहे थे 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में आज के खेलों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। तकनीकी सहयोग संजय शुक्ल और चिंतन जानी, प्रस्तुति सहयोग राकेश जैन, आलेख वाचन और प्रस्तुति महेंद्र सिंह लालस। ये कार्यक्रम गुजरात स्थित आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा तैयार किया गया।